मकीत की। इस वक्त मौजूद हूँ डीसी ऑफिस के बाहर, जो मेमको मोड़ है बस वहाँ पर, और इस तरफ आप देख सकते हैं जेएलकेएम के प्रत्याशी छरिया विधानसभा के रुस्तम अंसारी जी आ गए हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। सर सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। सर क्या दिक्कत हो रहा था वहाँ? कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, वो एक्चुअली वो अपना प्रशासन है भाई, अपने हिसाब से बात करवे करेंगे। जी जी जी। और जो प्रस्तावक लोग हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, कैंडिडेट आए भी करेंगे। सर कितनी खुशी है, चलते चलते बात करते हैं। खुशी तो भगवान की कृपा से बहुत है, बहुत है, इसलिए जीत रहे हैं। सर झरिया में इस बार चुनावी मुद्दा आपके लिए क्या है? चुनावी मुद्दा तो झरिया एक ऐसा विधानसभा धनबाद में, वहाँ खाली मुद्दे मुद्दे हैं, मुद्दे हैं, खाली मुद्दे हैं। एक नाम एक रहता है ना, 50-100 मुद्दा है। अच्छा, कोई प्रतिनिधि वहाँ के लिए काम नहीं किया। आई रोड और नली की कोई बात करता है जी, तो गवर्नमेंट का दिया हुआ चीज है जी, जी, वो तो प्रखंड, वो तो नगर निगम का काम है, उसमें विधायक का कौन काम है? जी जी जी। तो आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे झरिया में? मैं मेरा भरपस 3-4 काम है। पहले तो झरिया का जो पोल्यूशन है जिससे आदमी मर रहे हैं, पहला काम वो है। दूसरा शिक्षा है, दूसरा बेरोजगारी है, और तीसरा का नाम स्वास्थ्य है। अच्छा, ये मेरा प्रमुख रहेगा जी। और रोजगार बहुत बहुत गरीबी, अच्छा सिविलियन 10 साल के बाद नहीं रहेगा यदि वहाँ रोजगार नहीं जाता तो। चलिए ठीक है। अच्छा झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह कुछ काम की? उसके बारे में थोड़ा आप हमारे बारे में पूछिए ना, वो तो जनता जानती है क्या काम किए नहीं किए। बस बस टापू, अरे देखिए वो लोग जनप्रतिनिधि के साथ साथ खुद का ठेकेदार है, आउटसोर्सिंग उनके परिवार का लोग चलाता है, उनसे क्या बात है। सबसे पहले तो आप आज नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ आज आप चुनाव मैदान? तो ये रुस्तम अंसारी जी जेएलकेएम के झरिया विधानसभा प्रत्याशी, अभी नॉमिनेशन के लिए बढ़ रहे हैं, और क्या उनके मुद्दे रहेंगे, प्रायोरिटी एरियाज क्या रहेंगे, किस पर वो काम करने वाले हैं, सब आपने सुना। बात करते हैं नामांकन के बाद।